नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नदी में बने पिलर तो आपने भी बहुत देखे होंगे। कई ऐसे पुल पर आपने भी सफर जरूर किया होगा जो नदी के या समुद्र के ठीक ऊपर है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इतने गहरे पानी में आखिर ये पिलर खड़े कैसे होते हैं, इनका निर्माण हुआ कैसे होगा, कौन कौन से तरीकों को अपनाया गया होगा। इसके लिए आप बांद्रा वर्ली हाजीपुर को पटना से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पुल, असम का भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबिल सेतु, भागलपुर बिहार में बना विक्रमशिला सेतु जैसे कई नाम हैं जो कि सीधा पानी पर बनाए गए हैं। हालांकि ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई है। समुद्र के ऊपर बने पुलों को देखें तो लिस्ट काफी लंबी है। ये सभी इंजीनियरिंग के वो नमूने हैं जो बहती नदी पर खड़े हैं। गौर करने की बात यह है कि ये सभी पुल नदी में बने पिलर के सहारे खड़े होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ऐसी कौन सी तरकीब है जिसकी मदद से ये पिलर पानी में खड़े हो जाते हैं और लाखों टन का बोझ उठाते हैं, रोजाना हजारों गाड़ियों का बोझ भी उठाने में सक्षम होते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर बहती नदी पर इन पुलों का निर्माण होता कैसे है। सबसे पहले आपको नदी पर बनने वाले अलग अलग तरह के पुलों की जानकारी से अवगत करवाते हैं। इसमें सबसे पहला है आर्च ब्रिज, फिर है बीम ब्रिज पुल, सस्पेंशन ब्रिजेस, मूवेबल ब्रिजेस। इन ब्रिजेस को कई अलग अलग कैटेगरी में बांटने का काम हो सकता है। लोकेशन के आधार पर भी इन ब्रिजों को बांटा जा सकता है। जगह के हिसाब से भी ब्रिज का निर्माण होता है। आमतौर पर पानी के ऊपर पुल बनाना जमीन के ऊपर पुल बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। नदियों या समंदर में पुल बनाने के लिए कई अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे पानी की गहराई, पानी की गति और पानी के अंदर मौजूद मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है। इसके साथ ही ये ध्यान दिया जाता है कि ब्रिज पर पड़ने वाला भार कितना है, साथ ही ब्रिज बनने के बाद उस पर चलने वाली गाड़ियों का भार कितना होगा, इस बात का आकलन किया जाता है। इसके बाद ही पुल निर्माण का काम होता है। आपको बता दें कि पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कॉपर डैम कहा जाता है। ये कॉपर डैम एक तरीके से ड्रम के आकार के होते हैं, जिन्हें क्रेन या अन्य मशीनों की मदद से पानी के बीच में फिट कर दिया जाता है। इन कॉपर डैम को स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स की मदद से बनाया जाता है, जिसका आकार गोल या लंबा भी हो सकता है। मेलों में अक्सर आपने मौत का कुआं जरूर देखा होगा। ये कॉपर डैम भी ठीक उसी आकार का होता है। सबसे पहले इसे पानी के बीच में रखने का काम किया जाता है, जैसे एक ग्लास में किसी स्ट्रॉ को रख दिया गया हो, जिससे पानी इसके आसपास तो बहती रहती है लेकिन उसके बीच में नहीं जाती है। लेकिन पानी फिर भी अगर भर जाए तो बाद में उसे निकाल दिया जाता है, जिसके बाद ही डैम में नीचे की मिट्टी दिखने लगती है। इसके बाद ही वहाँ पिलर बनाने का काम शुरू होता है और मजबूत पिलर बनाने का काम होता है। हालांकि यह प्रक्रिया ज्यादा गहरे समुद्रों में नहीं की जाती। पानी ज्यादा होने के मामले में पहले रिसर्च किया जाता है, फिर ही जमीन के नीचे कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहां जमीन पिलर बनाने लायक हो। उसके बाद ही वहां गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप ऊपर से नीचे डाला जाता है, जिसकी मदद से पानी को निकाला जा सके। इन पाइपों की मदद से ही पिलर बनाए जाते हैं। पुल बनाते वक्त आधे से ज्यादा काम दूसरी साइट पर चलता है, जहां ब्लॉक्स बनाने का काम भी होता है, और फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पुल के निर्माण का काम होता है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक ब्रिज बनकर तैयार होता है। आपको ये भी बता दें कि हर ब्रिज की एक लाइफ लाइन होती है। कोई भी ब्रिज हमेशा के लिए नहीं बनते, इसीलिए बीच बीच में रख रखाव भी जरूरी होता है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को देखकर आप जरूर समझ गए होंगे कि ये पुल आखिर बनाए कैसे जाते हैं, पानी के ऊपर कैसे पुलों का निर्माण होता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।